रास्ता चल रहा है उसको रोकने के लिए कि जो सरकार है चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो वो अधर्म की सरकार है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से महंगाई की स्थिति ये है आप देख लीजिए, रोज की स्थिति, रोजमर्रा वाला जो व्यक्ति है वो रोटी नहीं खा पा रहा। आप तेल के भाव देख लीजिए, आप टमाटर के भाव देख लीजिए, आप सब्जी के भाव देखिएगा, नाना प्रकार की सब्जी अभी, और चाहे वो मीठा तेल हो चाहे वो नमक हो, हर चीज महंगी हो गई है। इसकी बात करें तो आज संत समाज इसलिए दुखी है कि नर्मदा जैसे में दोहन हो रहा है, अवैध खनन से किया जा रहा है धड़ल्ले से, और साथ में आप देखिएगा जो ये 25,000 इन लोगों ने जो बनाई थी कमलनाथ सरकार ने, 25 से 50,000 रुपए जो है कन्या विवाह के लिए कर दिया था, उसको रोक करके फिर वापस कर दिया। आज गौशाला के क्या हाल हैं, गौ माता के क्या हाल हैं, पूरी रोड में गौ माता पड़ी हुई है और गाय माता जो है बड़ी दुखी है। इन्होंने जो गौशाला बन गई उनका काम रोक दिया, उनका भोजन प्रसादी का काम रोक दिया, और गौशालाएं जो आधी बन पाई थी उनको भी काम रोक दिया, मतलब गाय अब रोड में पड़ी रहेंगी। ये सब इसका पाप किसको लगेगा? मुझे लगता है जो अन्याय करेगा, जो अधर्म का काम करेगा उनको लगेगा। इसलिए संत समाज आगे आया है और खंडवा लोकसभा में ठाकुर राजनारायण सिंह को जिताने के लिए और लोगों से अनुरोध किया है कि आइए हम सब मिलकर के, अब धर्म से चलने वाले कमलनाथ जी जो हैं, कमलनाथ जी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। मैं तो कहता हूं यदि 5 साल कमलनाथ सरकार चलती तो मुझे लगता नहीं है कि 25 साल भी यदि बाहर करवाते। जनता ने बड़े प्रेम से कमलनाथ जी को आगे बढ़ाया था। साथ में यदि गाड़ी आपके माध्यम जनता से पूछना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि हम संत समाज को अभी भजन का टाइम था, हमें आज अनुष्ठान का टाइम था, आज नौमी है, पर उस सप्तमी अष्टमी नौमी सब छोड़ दिया हम लोगों ने, अपने अपने आश्रमों से निकले इसलिए हैं कि कहीं ये झूठ बोल के ये पापी लोग अपना राज ना कर ले, इन लोगों को बरगला ना दें, इसलिए अपनी बात रखने के लिए कमलनाथ जैसे नेता को आगे आना चाहिए, कमलनाथ जैसे लोगों को रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग आज पहुंचे हुए हैं यहाँ और पूरी विधानसभा लोकसभा में घूम रहे हैं कि ठाकुर राजनारायण सिंह जी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि धर्म के रास्ता में चलने वालों को जिताएं। हमारा काम है ईश्वर से प्रार्थना करना, दान देना ना देना उसका काम है, हम उसके हकदार नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम मेहनत करेंगे, हमारे युवा वर्ग जो है ये मेहनत करेंगे, जनता से हम अनुरोध करेंगे, माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे, साधु संत जनता के सामने अपनी बात रखेगा कि बीजेपी सरकार में अन्याय हो रहा है, हम साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है, यदि हम उनके तरफ रहें तो ठीक, यदि हम उनके तरफ ना रहें, हम सत्यगत मार्ग पर चलें, हम धर्म की बात करें तो हमारे साथ, हमारे संतों के साथ क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता सब समझ रही है। अरे अभी सनावत के वीडियो देखकर मालूम पड़ा कि अपना बाबा वापस मैदान में आ गया है। बाबा बोले तो वही कंप्यूटर नामदेव दास त्यागी, पिछले साल अक्टूबर माह में, शायद अक्टूबर या नवंबर के दरमियान सेंट्रल जेल इंदौर में बंद थे, 5 मुकदमे ठुक गए थे बाबा पर। इसलिए ठुक गए थे कि एक तो बाबा सरकारी जमीनों पे कब्जे करवाता है, बाबा लाइट में तब आए था जब एक यज्ञ करवाया था, हेलीकॉप्टर में घूम घूम के, हेलीकॉप्टर में घूम घूम के हवाबाजी करते थे, यज्ञ समाप्ति के बाद बाबा को पूजा उतारने के लिए बहुत सारे साधु ढूंढ रहे थे जिनकी दक्षिणाएं बाबा जी खा गए थे। बाद में बाबा जी ने दिग्विजय सिंह जी के लोकसभा चुनाव में कंडे लगाने का काम करा, साधु संताई की सारी लोक लिहाज ताक कर नंगाई के साथ राजनीति के मैदान में आ गए, और वोट मांगने के लिए बाबा ने बड़ा मिर्ची यज्ञ कराया था। ये बात अलग है कि उस मिर्ची यज्ञ की मिर्ची जो है वो कांग्रेस को ही लग गई और दिग्विजय सिंह जी की दुकान चुनाव में मंगल हो गई और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से वो चुनाव हार गए, और बाबा जी का ये जो तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना टोटका और पाखंड था ये धरा का धरा रह गया। उसके बाद फिर बाबा सरकारी जमीनों पे कब्जे करने के, ये और इनके पट्टे पुराने मास्टर हैं, अखाड़ा परिषद ने इनको निष्कासित कर दिया, जैसे पुलिस किसी गुंडे के चाल चलन को देख के जिला बदर कर देती है, ऐसे ही अखाड़ा परिषद को लगता है कि कोई साधु जो है वो साधु
स्वभाव छोड़ के और संत स्वभाव छोड़ के और दूसरे तरह के ही धंधों में लग गया है तो अखाड़ा परिषद निष्कासित कर देती है। तो बाबा भी अखाड़ा परिषद से निष्कासित थे अपने नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर जी। आज मैंने देखा उनको सनावद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, फिर वापस राजनीतिक लंगोटी बांध लिए बाबा ने, फिर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। दिग्विजय सिंह के लोग साधु संतों के पट्टे होते हैं, ये राजनेताओं के पट्टे हैं। दिग्विजय सिंह का ओरिजिनल पट्टा है अपना बाबा ये। अब राजनारायण पुरनी की नाव डुबाने के लिए सनावद चुनाव के मैदान में बाबा फिर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। एक आखिरी बात कंप्यूटर बाबा जी, अष्टमी सप्तमी नवमी के दिन साधु समाज छोड़ो, सामान्य गृहस्थ भी जो है वो भगवती की आराधना करता है, और आप जिस प्रकार की राजनीतिक का रोटियां सेकने के लिए निर्लज्जता के साथ निकले हो, आप पे शर्म आती है कि आप इस तरह का साधुओं का बाना और वेश पहन कर निकले हुए हैं। खैर ठीक है, आपकी अपनी राजनीतिक लालसा है, पर अपने आप को कम से कम आप संत मत माना करिए, आप में संतों जैसा कोई लक्षण नहीं है। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।